बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बना लिया असी ना अखरोटां दा हलवा। ये सर्दी आ गई है तो आखिया चलो अखरोटां दा हलवा ही बनाइए। वो है मैं दुध लै लिया है, यह जी प्याली नाल मैं नापे अखरोट, यही प्याली नाल ना मैं दुध नाप लिया। जे विच होर पैना थोड़ा जिहा पिया तो मैं होर पा लवांगी। तो अखरोटां नूं हुण करने आ मिक्स। बिस्मिल्लाह पूरा आ गया। इन्हां नूं मैं हुण रखनी आ पूरा ना एक घंटा भिजे रहन, तो फिर स्टार्ट करा। हाँ जी, सानू है ना अखरोटा दुध बिच भगोया हो गया कोई घंटा सारा, तो यह हूँ मैं इन्हों ग्राइंडर कर लें। बिस्मिल्लाह दी बरकत। बिस्मिल्लाह दी बरकत। मैं ग्राइंडर कर ला हूँ इन्हों ना इंज आस्ते आस्ते एक एक सकिंट नाल ना इंज कर, ज़्यादा नहीं बरीक नहीं ग्राइंडर करने। थोड़े थोड़े चेक कर लीए बिच किस तरह के हुए ने। इस तरह के होने मेरा दिल है दो तीन ना और कर ला, दो सकिंट डेढ़ ना एक बार फिर कर लैनी है ना। चम्मच नाल तो ना पता लगना कितने क मोटे ने। इस तरह के रखने ना मैं पा लिया कुछ अद्धा जहा कप ऑयल का पाया, भावें उन्हें है डाल्टा आवे भावें देसी घ्यो हो। देसी घ्यो भी इस वास्ते नहीं, मैं ज़्यादा हैवी हो जाना है। तो मैं दूसरा ऑयल ही लै लिया, तो ये हूँ पाने असी। बिस्मिल्लाह खुशक भी होंगे ने, घ्यो भी ज्यादा ना इन्होंने कर लेना बिच ना जबत। ए मैं पाने जड़ा बिचे चीनी मैं लै लीए थोड़ी जी अद्धी जी, ज़्यादा नहीं पाने हिसाब ना ही पावगी जितनी कु कई। ए भी सुखा दुध है, यह बदम दिरिया ने यह दुध पावगी। तो ये कम से कम ज़्यादा तो ज़्यादा बने 6-7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है इसे चिर। तो मैं ज़्यादा पीसे नहीं है भी दस दर्जे ही रखे ने, ज़्यादा पीसिया पाउडर बने वो फिर नहीं सही होंगे है भी जोड़ा मैं तरीके का बना जिस तरीके कुछ ज़्यादा भी पीसदा हो बार वाले ज़्यादा नहीं खरोटा पीसीदा है भी। खरोट रोस्ट हो गए ने तो हूँ मैं इन बिच ना दुध मिक्स करनी है। बिस्मिल्लाह आ जरा दुध बिच पे मैं वही दुध पावगी। बिस्मिल्लाह चुल्हा तेज कर लैने हूँ बिच मैं पा लैनी हाँ खुशक दुध बिच तो बेस्ट तो ज़्यादा सही रवे दा जरा खोया तो मैं वही दुध पा ली हाँ बिच सुका। हाँ जी ऐसा टाइम खुशक हो गया दुध, तो हूँ मैं बिच पानी हाँ चीनी तो फिर बिच भुननी हाँ।
ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਮਿੰਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਛੱਡਾ ਆ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੋਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਬੰਦ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰੋਸਟ, ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਸ਼ੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਓ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰੀਓ। ਫਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।